सभी को, आज 22 अक्टूबर 2019 है और आज कुछ ही देर में चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू आकर यहाँ के जो लॉ कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, उन्हें जारबोम ले जारबोम गामलिंग के नाम पे इनॉग्रेशन करने वाले हैं। Secondly, to provide for a safe drinking water. So the third is very important, that we students needs to be updated with the latest judgments, policies and acts. Therefore, sir, we need a Wi-Fi connection in this campus. And the fourth one is we don't have any first aid kits. Some emergencies might have happened or occurred. So therefore, sir, we want first its instrument or kits to be installed in this campus. So sir, these were some of the few grievances from the student sides. That's all. Thank you, sir. कल जो यहाँ पे मीटिंग हुआ है सीसीआई मीटिंग में, तो इस रोड के बारे में भी हम लोग ने चर्चा किया है और लास्ट ईयर भी इस रोड का मेंटेनेंस के लिए शायद सरकार की ओर से कुछ अच्छा खासा पैसा तो दिया था, तो मगर ये मेंटेनेंस से ये काम जो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी जो स्टेट इम्पोर्टेंस जो प्रोजेक्ट्स है, यहाँ पे एनआईटी है, आज लॉ कॉलेज का उद्घाटन भी हो गया और हमारे इस तरह में फिल्म इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे बनने अभी जाएगा, तो ये रोड जो है बहुत बड़ा मेजर फैक्टर एक रोल प्ले किया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल जो एक्जिस्टिंग रोड है वो सिंगल लेन है, तो मैंने अभी आज मैं पब्लिक मीटिंग भी अटेंड कर रहा हूँ, तो पब्लिक लोगों का बीच में भी ये मेरा अपना बात को रखेंगे। अगर यहाँ का पब्लिक चाहेंगे कि अगर यहाँ पे डबल लेन आए, डबल लेन अगर रोड चाहिए, तो लैंड कंपनसेशन वो लोग क्लेम नहीं करना है। लैंड कंपनसेशन अगर वो लोग क्लेम नहीं करता है, तो मैंने ऑलरेडी फ़ंड मेरे पास में रखा हुआ है, हम इसी साल हम प्रोजेक्ट को हम सेंक्शन करने के लिए भी फ़ंड मेरे पास अवेलेबल है। तो इस पॉइंट को आज मैं यहाँ के जो लोकल जितने भी यहाँ के पब्लिक लीडर्स है, जो विलेजर्स है, उनका बीच में हम ये पॉइंट रखने वाला है। सर, एक क्वेश्चन ये भी रहेगा कि जब भी कुछ भी हम हमारे अरुणाचल में गवर्नमेंट की तरफ से क्या इंस्टीट्यूशन या कोई भी कोचिंग सेंटर खुलता है, तो फुल फर्निश होकर क्यों नहीं खुलता? अभी जैसे आपने कहा कि लाइक पहले समय में वो तो तकलीफ थोड़ा झेलना होगा, लेकिन सर खुलते ही वक्त क्यों नहीं करते? और डिजिटल इंडिया का बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, इवन अरुणाचल गवर्नमेंट, तो यहाँ पे सर डिजिटल तो छोड़ दीजिए, जो बीएसएनएल है उसका भी इंटरनेट काम नहीं करता, उस पर क्या कहना है? हाँ, इनफैक्ट हमारे अरुणाचल में थोड़ा सा एक तो जो जिस प्रकार से जो फंक्शनिंग जो हो रहा है डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट में एक गैप सा है, ये तो कुछ टेक्निकल रीजन्स है इसमें। मैं इसलिए बार बार हमेशा मैं बोलता हूँ कि सेपरेट कार्य होना है, सेपरेट कार्य होना है, यू नो देयर आर लॉट मेनी रीजंस। मैं किसी को इंडिविजुअल ब्लेम तो मैं नहीं ठहराता हूँ। इनफैक्ट इनोवेशन से पहले एक्चुअली सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट होना है, ये हम भी मानते हैं, मगर आज यहाँ पे आके देखा है तो बहुत सारा चीज़ यहाँ पे और भी हम लोगों को रेट्रोफिट करना है और भी कुछ कुछ नया चीज़ भी यहाँ पे बनाना है। तो एनीवे आई हैव गिवन द एश्योरेंस कि इसको हम जल्दी प्रोसेस करेंगे और इस साल जो भी फंड हम प्लेस कर पाएंगे हम इसमें ज़रूर हम प्लेस कर देंगे। सर, एक क्वेश्चन रहेगा एनएचपीसी से लेकर जो रोइंग के डैम को इफेक्टेड जो वहाँ के कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा है ठीक तरीके से, इवन जो कल 21 अक्टूबर में किमी में वहाँ के लोग जो इफेक्टेड वाले हैं और बिचुंग जो काहे प्रोजेक्ट उन लोगों ने कल प्रोटेस्ट किया था, सर उस पर क्या कहना है? सर, जो कमिंग वाला जो एनएचपीसी सॉरी निपको वाला प्रोजेक्ट है, वो कमिंग वाला, वहाँ पे हमें जो रिपोर्ट आया कुछ लोग वहाँ पे कुछ धरना वगैरह किया है,
और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जाके बात किया है, तो फाइनली वहाँ के जो लोकल्स लोग निपको के सीएमडी को मिलना चाह रहा है, और आई थिंक निपको का सीएमडी ने उन लोगों का ये 30th अक्टूबर को बुलाया है, मीटिंग तय हो गया। और दूसरा जो आप जो दिबांग का शायद आप बात कर रहे होगे, एनएचपीसी प्रोजेक्ट का, तो वहाँ का लैंड कंपनसेशन का कुछ मामला है, वहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशंस तो है लैंड कंपनसेशन में, तो हाइड्रो पावर डिपार्टमेंट को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, इसका हेड हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर जोना मिंजी कर रहे हैं, तो एक शायद कमिटी उन्होंने शायद गठन किया होगा, वो जाके ज़मीनी स्तर पे जाके रीवेरिफिकेशन का प्रोसेस शायद शायद डिपार्टमेंट कर रहे होंगे। सर 22nd आप यहाँ विजिट कर रहे हो, तो आप कब तक मतलब अपने मतलब बात रख सकते हो कि यह जो बेसिक एमिनिटी जैसे पानी, ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं है सर यहाँ पे, और जैसे कि सर एक महीना 19 के बाद में 23rd को मैं यहाँ आई थी, तब में सर कुछ नहीं था, पानी ना था ना लाइट था, तो अभी 25th सितंबर को तो पानी उसके लाइट वाले, लेकिन अब अभी भी टॉयलेट लीकेज हो रहा है, आप खुद नहीं देखा कि सीलिंग लीकेज हो रहा है, लाइब्रेरी है लेकिन बुक्स नहीं है, कंप्यूटर क्लास नहीं, कंप्यूटर नहीं है सर, तो उस पर सर आप कब तक फिलअप करोगे सर? इसका टाइमलाइन इस प्रकार से होगा, अभी आज का ये पब्लिक फंक्शन होने के बाद मैं ऑफिस जाके मैं एजुकेशन मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाऊंगा, और डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी उसका एजुकेशन सेक्रेटरी को भी बुला के इमीडिएटली मैं मीटिंग टेकअप करके इसके बाद तुरंत फाइल प्रोसेस करके आई थिंक विद इन ए डे और टू मैं उसका प्रोजेक्ट को सेंक्शन भी कर दूंगा। तो इसके बाद डिपेंडेंट है कि यहाँ पे एग्जीक्यूशन में कितना और समय यहाँ पे लग जाएंगे। सर एज अ एल्डर ब्रदर, क्योंकि सर के नाम पे रखा गया है, फर्स्ट लॉ कॉलेज है, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अरुणाचल का, तो कैसा फील हो रहा है सर आपको? फील तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारा जो लेट चीफ मिनिस्टर जारबोंग गामलिन भी, ये अरुणाचल का एक माने ऐसे लीडर था, हर जगह में उसका ये है, और जो लॉ कॉलेज भी उसका नाम पर रखा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसका बैकग्राउंड भी एक एडवोकेट था, अरुणाचल का जो बार एसोसिएशन का भी बहुत लॉन्गेस्ट सर्विंग वो प्रेसिडेंट भी था। सभी को हम फैमिली की ओर से हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने कम से कम हमारा लेट भाई का जो सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत हम शुक्रगुजार है। सबसे पहले तो मेरे अपने तरफ से मैं आप सबको मुबारक बात देना चाहती हूँ। मुझे याद है बहुत सालों पहले तवांग में जो आपसू का कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ से ये डिमांड आया था कि लॉ कॉलेज लेट जारबोंग गामलिन के नाम से होना चाहिए, और हमारे अपने तरफ से अरुणाचल के स्पेशली जो युवा पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ियों को बहुत बधाई, बहुत मुबारक कि आपको अपना गवर्नमेंट कॉलेज आज फॉर्मली इनोग्रेट हुआ, और हमारे अपने फैमिली के तरफ से एंड एज वन ऑफ हिज सर्वाइविंग सिबलिंग्स भैया के नाम से जो तुकी साहब का गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया था, वो आज पेमा खांडू जी का गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करा दिया, तो दोनों गवर्नमेंट्स को, दोनों लीडर्स को और उनके सारे साथियों को हमारे अपने तरफ से और अपने फैमिली के तरफ से बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कुछ ही देर पहले चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू के साथ पी डी सोना साथी तानाहाली ताबा तादिर और नाबम रिबिया ने आकर यहाँ के जो ज्योति कॉलेज है जारबोंग गामलिन के नाम पे अभी रखा है उसे इनोग्रेशन किया है। यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ में इंटरेक्शन भी किया, और साथ ही बच्चे ने यहाँ के जो इश्यूज़ हैं उनको सर के आगे प्लेस किया। सीएम पेमा खांडू ने यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ और फैकल्टी को एश्योर किया कि वो जल्दी ही जितने भी बेसिक एमिनिटीज़ और जो भी कॉलेज को चाहिए वो अवेल करेंगे। देखना ये होगा कि पेमा खांडू गवर्नमेंट ये कब तक करती है। मैं सांगे ड्रामा कैमरा पर्सन रिची देमा के साथ अरुणाचल टुडे ज्योति।